आपके जितने भी काम अटके हो ना प्राइवेटली सरकारी कोई भी काम जो नहीं हो पा रहे महीनों सालों से अटके हुए वो काम मैं करवा दूंगा। दलाल हो फिर बीच वाले हो बस यही तो तरीका है। तुम छोटे लोगों की छोटी सोच है क्या दलाल हो क्या हो तो वही तो मैं पूछ रही हूँ उसी को तो बोलते हैं पावर है इतना मेरा। एक्सक्यूज मी हाय क्या हुआ सॉरी क्या हुआ आप इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो अभी हाय जानते हो मेरे को हाय नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ हाय तो क्या हो गया इसमें कोई बुराई है मैडम कहीं और बैठो खड़े हो जाओ क्यों मैं कहीं और आपका ये एटीट्यूड आप इस तरीके से बात करोगे क्या किसी से खड़े हो जाओ जाके कहीं और ये बात करने ये आपका है क्या मैं आपसे सीखूंगा बात करने का तरीका आप मेरे से मत सीखो लेकिन आप सीख लो तरीका आपको जरूरत नहीं है आप मेरे को मत सिखाओ मेरे को जरूरत नहीं सीखने सीखने का मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है आपको जरूरत है सीखने की नहीं जरूरत है मैडम मेरे को पता है कहां मेरे को कैसे बात करनी है अच्छा मैं अगर ऐसे नहीं जाऊंगी तो क्या करोगे आप आप मेरा दिमाग की बत्ती मत जलाओ चलो आप अपने दिमाग की बत्ती जली नहीं और ना ही जलने वाली है कभी फोन पे काम कर रहा हूं जाओ मैडम अपना काम करने लगे यार उड़ो यहां से मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ तमीज सीख लो आप नहीं तो मैं सिखाऊंगी आपको मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूं मैं शांत से रहो मैं आपको जितना बोल रही हूँ उतना आप समझो मैडम इतना मत फैलो जानती नहीं मेरे बारे में भी मैं नहीं जानना चाहता आपसे क्या करते हो आप क्या करते हो क्या करते हो आप क्या करते हो आपको क्या करना है क्या करता हूं मैं नहीं मुझे कुछ नहीं करना है मैं तो ऐसे ही फ्री थी मैंने सोचा छोड़ो आपसे बात कर लूँ या आपका तो है नहीं कि आप मुझे मना कर दोगे बैठो कि मैं बैठो, मेरे कोई दिक्कत नहीं बैठो बैठना या बैठो यही चीज़ें मैं आपको पहले सिखा रही थी कि ये अगर नहीं दिखाए रहते तो आपके लिए भी फायदे में रहता ना ये आपका अगर नहीं है तो आपका कोई राइट ही नहीं बनता कि आप मुझे बोलो मेरा फायदा मत सिखाओ मेरे को किस चीज़ में फायदा है किसमें नहीं है ठीक है आप अपने काम से आए बैठने आए बैठो शांति से निकल जाओ यहाँ से ठीक है आप एक तरीके से बात कर लो तो ठीक रहेगा आपके लिए समझ रहे हो बोलो चलो तरीका बताओ आप मेरे को तरीका ये है कि अगर मैंने आपसे रेस्पेक्टली आपसे बात करा मैंने अगर आपको हाय बोला बदले में आप हेलो बोल सकते हो नहीं मैंने बात करने का आप मत बात करो यू कैन नॉट से मी कि आप यहाँ से उठो चलो निकलो बैठो समझ रहे हो अगर आपको नहीं तरीका है तो आप सीख लो मेरे क्लास मत दो यहाँ पर जरूरत है आपको स्कूल नहीं खुला है यहाँ जरूरत है आपको स्कूल नहीं खुला है यहाँ जरूरत है आपको आप टीचर बनके मेरे को क्लास में दो जरूरत है ना आपको मेरे को कैसे क्या लैंग्वेज है मेरी अगर आप स्कूल गए रहते ना तो ये चीजें आती नहीं है आपके अंदर समझ रहे हो आप करते क्या हो आप स्कूल से सब लोग निकलते हैं शरीफ भी निकलते हैं गुंडे भी बनके निकलते हैं स्कूल से ही निकलते हैं सारे पढ़ने सारे जाते हैं आप क्या बनके निकले हो क्या बनके अपने लिए इंसान बनके निकला हूं ठीक है आपको नजर आ रहा होगा मेरा तरीका ये बात करने का ठीक है क्या करते हो क्या नहीं करते हो मेरा तो तरीका भी बदल जाएगा ना आपका आप बदलोगे मेरा तरीका बिल्कुल बदलेंगे मैडम जाओ आप अब स्कूल में नहीं बदली अगर स्कूल में आपका तरीका नहीं बदला घर में नहीं बदला तो यहाँ बदल जाएगा पता नहीं ये भी मेरे बारे में क्या नहीं मिनट बैठोगी भी नहीं यहाँ पर बताओ मैं तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठोगी यहाँ से खुद रुक के मैडम मैं थोड़ी देर बैठने आई हूँ बताओ क्या बैठने हो जैसे बैठने हो चुपचाप बैठो यहाँ पे मेरा नहीं मैं जानना चाह रही हूँ आप कि आप क्या हो कि मैं उठ के भाग जाऊंगी मैं डर जाऊंगी आपको लगता है कि डर जाएंगे मैं नहीं डरूंगी क्या है ऐसा कि आप डरा रहे हो यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी को भी आपसे डरने की जरूरत है हाँ जब किसी से कोई काम ना हो रहा हो ना मैडम किसी से कोई काम नहीं निकल रहा वो काम मैं निकाल के दिखाता हूँ लोगों को ओके जो कोई काम नहीं कर सकता वो आप मैं करता हूँ जब कोई कोई कुछ काम नहीं कर सकता उस काम को मैं करके दिखाता हूँ लोगों को हाँ तो मुझे डरने की जरूरत है तो इसीलिए हाँ आपको डरने की जरूरत है नहीं आप जाओ यहाँ से यार मेरा दिमाग मत खाओ मैं आपका दिमाग नहीं खा रही हूँ ना आपके पास इतना दिमाग है कि कोई खा सकता है लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर मेरे से बात कर रहे हो ना तो आपको फिर पता नहीं है कि आप कैसे किसी से यार क्यों क्या पता नहीं क्या बताना चाह रहे हो मेरे को मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि तरीके से बात करो अदरवाइज आपको तरीका सीखना पड़ जाएगा वो आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा फिर समझ रहे हो मेरे को बिल्कुल सिखाएंगे मैडम यार प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ बिल्कुल चलो यार उड़ो यार क्या नाम है आपका क्या नाम है आपका क्या करना है मेरे नाम का आपको क्या नाम है मेरा काम पूछ रही हूँ काम बता दिया ना मैंने क्या काम है पता ही नहीं चला आपका क्या काम है आप बोल रहे हो कि किसी से कोई काम नहीं बनता वो काम मैं करता हूँ जितने भी काम अटके हो ना प्राइवेटली सरकारी कोई भी काम जो नहीं हो पा रहे महीनों सालों से अटके हुए वो काम मैं करवा दूंगा। दलाल हो फिर बीच वाले हो बस यही तो तरीका है तुम छोटे लोगों की छोटी सोच है क्या दलाल हो क्या हो तो वही तो मैं पूछ रही हूँ उसी को तो बोलते हैं कुछ आपका पोजीशन है कुछ हाँ जी क्या है बहुत बड़ी पोजीशन है DIG हो SP हो IPS हो इसी पोजीशन की जरूरत नहीं होती कुछ करने के लिए कुछ कर दिखाने के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ बिगाड़ने के लिए इन्हीं पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ती क्या और भी इनके अलावा पोजीशन हो
पॉलिटिशियन हो कोई, पॉलिटिशियन हो जो भी हूँ मैं, आप अपना काम करो जाके, आपको बता दिया अगर आपको कोई काम मुझसे निकलवाना है ठीक है, जो बड़े बड़े फन्ने खाओ से नहीं निकल रहा हूँ, वो काम हम निकाल के आपको। कितने पैसे, क्या कीमत है आपकी? वो काम के हिसाब से, आपको क्या काम करवाना है। ओ, मतलब कीमत है ना आपकी? काम के हिसाब से कीमत होती है। ओके, तो आप जो कोई काम नहीं करता है, गैर कानूनी काम ही, वो सारा काम आप करते हैं? सारे काम, सारे काम। आपको डर नहीं लगता? गैर कानूनी की बात कर रहे हैं मैम, गैर कानूनी सरकारी ऑफिसों में भी गैर कानूनी काम होते हैं ठीक है जी। कानून को लेके कहाँ काम हो रहा है, अगर कानून को लेके काम होने लगे ना, देखो अच्छे अच्छे लोग ना कानून के नीचे आए हैं, बिल्कुल ज्यादा उड़ो मत। बिल्कुल आए हैं, कानून मैंने तो कभी देखा ही नहीं, कभी तुम्हारे बारे में सुना है। जो तुम आ तो बहुत कुछ कर सकता है, मानते हैं आपकी बात, कानून बहुत बड़ी चीज है, लेकिन क्या करें, जो कानून के रखवाले हैं वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप भी करोगे? हम तो छोटे मोटे प्यादे। तो आप भी करोगे? तो मैम सबका अपना बिजनेस है, काम है। अच्छा ठीक है, जब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप अपने आप को खुद ही बोल रहे हो कि आप छोटे मोटे प्यादे हो, तो आपको किसने ये, आपको किसने ये चीजें आपको दी है कि आप किसी से ऐसे बदतमीजी से बात करोगे? सबके नाम गिनाओ बैठ के। मैम आप मुझे नाम मत गिनाओ, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, लेकिन आपको किसने हल दिया है कि आप इस तरीके से किसी से बात करोगे? मैम मैं किस मूड में बैठा हूँ, किस क्या सोच रहा हूँ, आप आगे खामखा यहाँ पे हजारों लोग हैं, तो आपको हजारों लोगों से प्रॉब्लम है क्या? मेरो आप ऐसी जगह, अगर आपको अगर इतनी दिक्कत है तो आप यहाँ आके बैठे हो, आपको कहीं और जाके बैठना चाहिए था ना। क्या कहूँ मैं आपसे, मेरे को आपसे भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आयो अपने बैठो आराम शांति से, मेरा सर मत। नहीं आपने गलत तरीके से बात की, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करी हूँ, आपने गलत तरीके से मेरे से बात किया है। मैं यहाँ पे हजार लोगों से, मैं अगर मेरे को किसी से बात करना है मैं बात कर सकती हूँ, किसी को ये हक नहीं बनता जो मुझे बोले कि आप यहाँ से जाओ, चाहे उठो चलते बनो, समझ रहे हो? क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। दीपक नाम है, मुझे लगा कि नाम भी नहीं बताओगे, इतनी शर्मिंदगी होगा। शर्मिंदगी किस बात की, नाम बताने में क्या? दीपक नाम है आपका? नाम है मेरा, हाँ जी। ठीक है, मैंने ना ये सारी चीजें रिकॉर्ड करी है दीपक जी, उधर कैमरा है उसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है। तो क्या फर्क पड़ता है मुझ पे? फर्क पड़ेगा आपके ऊपर। क्यों, मेरे क्या फर्क पड़ेगा? रिकॉर्ड पड़ेगा, पड़ेगा आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। तुम 10-70 लोगों के सामने बोल सकते हो, मुझे मेरे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो आपका रूप है ये देखिए, ताकि आपके घर में जो, आपके घर में भी अगर कोई लेडीज है, बहन होगी और भी कोई होगा, ताकि पब्लिक प्लेस पर उनसे भी इसी तरीके से लोग बात करें। ये सब करते घूमते क्या आप लोग? हम किसी को परेशान कर रहा? आपको परेशान कर रही हूँ मैं? परेशानी कर रहा हूँ, ये सब क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है? ठीक है, मेरी मर्जी, मैंने बनाया। अच्छा, आपकी मर्जी? बिल्कुल मेरी मर्जी। मतलब ये आपकी मर्जी है, आप कहीं भी रहकर और किसी की भी वीडियो बना सकते? बिल्कुल बना सकती हूँ, मेरे पास परमिशन है, मैं लीगल पेपर लेके चलती हूँ, मैं आपकी तरह नहीं, मेरे पास परमिशन है, मैं जहाँ चाहूँ जिसकी चाहूँ उसकी वीडियो मैं बना सकती हूँ। जो जो करना कर लेना, आपके पास परमिशन नहीं, नहीं पड़ता मुझ पे। मेरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं भी यही चाहती हूँ। लोग जानते हैं, ठीक है, मैं भी यही चाह रही हूँ। वीडियो के जरिए 700 लोग जानने लगेंगे, फर्क इतना पड़ना है? कोई बात नहीं, मैं भी यही चाह रही हूँ कि ये वीडियो देखे और हमारे जो भी कानून में जो काम करते हैं या फिर आसपास में जितने भी लोग हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से इस, मतलब आपको ये आइडिया नहीं है कि आप क्या काम करते हो, इसको पब्लिकली इतना प्रमोट कर रहे हो, आप दिखाना क्या चाहते हो आप? अरे मैडम यार, प्लीज क्या दिखाना चाहते इसको, हो इसको तुम बंद करवाओ और ये सब मत करो, ठीक है मेरे साथ? ठीक है, किसके साथ? आपके साथ? ओके, आपके साथ तो स्पेशली होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मेरे? बिल्कुल होना चाहिए। क्या बिगाड़ा भाई मैंने? आपने मेरे से बदतमीजी से बात करी आपने ना, आपने, आपको इतना हक नहीं है। आपकी कौन सा बंदा किस मूड में बैठा है, कैसे बैठा है, क्या सोच रहा है? मैं आपके मूड के अकॉर्डिंग थोड़ी बात करूंगी, क्या आपका मूड खराब है तो मैं आपसे प्यार से आके बात करूं? मैं आपके रिश्तेदार नहीं हूँ ना, मैं आपकी कोई दोस्त हूँ कि मैं आपसे? डिलीट करवाओ आप मैडम। क्या करवाओ? डिलीट करवाओ इसको, वीडियो वीडियो को डिलीट तो नहीं होगी वीडियो मैडम, ऐसे कैसे होगी? आपको जो करना है, मर्जी मेरी, मेरा कैमरा, मेरी चीजें, मेरे पास परमिशन है। आपको दिक्कत है तो आप कर लो ना, आपकी इतनी पहुँच है मैडम। नहीं पहुँच तो है, पहुँच तो मैं अपने तरीके से करा सकता हूँ, तो करवा लो। और तो अपने तरीके से करा सकता हूँ मैडम। आप लोग देख रहे हो और आप देखो कि ये अपने तरीके से ये वीडियो डिलीट करवाएंगे, हम चाहते हैं कि आप अपने तरीके से वीडियो डिलीट करवाओ। जब आप ऐसे नहीं करोगे, इतने प्यार से नहीं मानोगे, फिर मैं अपने तरीके से डिलीट करवाऊंगा। आप करवा लो फिर, आप इसको डिलीट करवाओ। मैं चैनल नेम बता देती हूँ, जो चैनल नेम पे आएगा श्यामा लाइफ के चैनल पे आएगा। एक काम करो, क्या नाम बताया आपने? दीपक। दीपक, आप वो वीडियो डिलीट करवा लेना आपकी जब वीडियो आएगी कल, तो ठीक है मैडम? ज्यादा बकवास मत करो, इसको डिलीट करो आप, करवा लेना ना। जब मैं कह रहा हूँ ना आपसे, इसको डिलीट करो। किस लिए आप क्यों खामखा बात बड़ी करवा रहे हो? बात बड़ी नहीं, बात बड़ी है तो बनने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इतनी पब्लिक में ही मिला था ये सब करने कराने के लिए,
मैं ये सब करवाने के लिए नहीं, मैं तो बड़े मैं तो बड़े आराम से आपके पास आई बात करने के लिए। आपने यार तुम आराम से आओ, मेरा तो मूड नहीं था ना आपसे बात करने का। कोई बात नहीं, मैं आपके मूड के अकॉर्डिंग, मेरा मूड आप मेरे बताओ, मेरा मूड खराब है तो क्या मैं बगल वाले को गाली दे दूं? आप बगल बैठे हैं, आपको गाली दी है मेरी बात। मैंने बोला क्या हुआ मैडम, क्यों परेशान हो रही हो? नहीं आप बोले चलते बनो, आप चलते बनो, ये गलत काम है ना? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हो, मेरी बात आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे आकर के बैठी थी, मुझे भी अपना फोन चलाना था, मैं कुछ भी करूँ तो एक ये रेस्पेक्ट होता है कि बगल में कोई बैठा है तो आप उसको एक बार हेलो बोलो। आप वहाँ पे बैठे हो बस इसलिए मैंने बोला था, अगर आप इस तरीके से अगर मेरे साथ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आप इसको डिलीट विलीट करवाओ मैडम, ये मत करो। क्या बोल रहे हो आप? सॉरी बोल रहा हूँ मैं, आप इसको डिलीट करवाओ। नहीं मैं चाहती हूँ आप अपने थोड़ा जो पावर है ना आप उसका यूज करो और आप वीडियो डिलीट करके दिखाओ। मैडम आप तो बिल्कुल तुले बैठो, खामखा मेरे से पंगे लेने। हाँ मुझे नहीं पड़ता, मुझे बर्दाश्त नहीं है कोई इस तरीके से बात करे और भी पब्लिक प्लेस पे इतने बेशर्मों की तरह बात करे, बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसको बंद करवाओ मैडम, देखते हैं इसको क्या होता है, कर लेना आप। अरे बंद करवा दो इसको मैडम, जो कह रहा हूं उससे क्या हो जाएगा? आप इतने एग्रेशन दिखाओगे क्या करो? परेशानी नहीं होगी क्या इस वीडियो से? आपको परेशानी होगी, मेरे परिवार के लोग देखेंगे और भी लोग देखेंगे तो देखे ना, आपने तो बोला कि 70 लोग जाने 700 लोग जाने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं तो चाहती पूरी दुनिया देखे इस चीज को।